गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल प्रेम टॉय। तो फिर से आ गए और एक न्यू धमाकेदार वीडियो लेके इन बड़े दीदी का। और आज का वीडियो होने वाले मीट बस्टर वीडियो। हाँ भाई, बहुत दिन बाद आ रहे। मैंने बोला था भाई डेली वीडियो छोड़ूंगा, बट बहुत दिन बाद आ रहे क्योंकि भाई मेरा एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली एग्जाम खत्म हो चुके, वैसे आज नहीं कम से कम दो तीन दिन बाद खत्म हुआ था। तो आज फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है मीट बस्टर वीडियो, और इस वीडियो में जो जो मैं मीट बताने वाला हूँ भाई अच्छे से सुनना भाई, क्योंकि इस बार का जो मीट वीडियो मैंने बताऊंगा ना, इस वीडियो में जो मीट बताऊंगा वो बहुत ही गजब का होने वाले। तो भाई वीडियो को एंड तक देना, एंड जिसने भी लाइक नहीं किया कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, उससे पहले भाई वीडियो को स्किप भी मत करना, नहीं तो भाई मीट मिस कर दोगे और बाद में बोलोगे भाई मेरा मीट काम नहीं कर रहा। बट ऐसा मत बोलना भाई, ठीक है। तो चलो फास्ट मीट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, ये जो मीथ है ना, ये बहुत ही गजब का मीथ है और बहुत ही खतरनाक मीथ है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी सोचे है कि भाई जो मतलब एनपीसी को मैं मरता हूँ तो तब जो मतलब पुलिस आती है, वो पुलिस कहाँ जाती है? जब स्टार हट जाती है तो तब पुलिस कहाँ जाती है? इधर तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है इस पूरा वर्ल्ड में, ना ही भाई कहाँ पे जगह भी नहीं है भाई, पुलिस स्टेशन भी नहीं, तो फिर कहाँ जाते? तो आज हम लोग वही देखने वाले इस वीडियो में कि आज भाई जो पुलिस कार है वो कहाँ जाते इस मीथ में। तो पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले इन्फो डिफेंस लगा लेना, ठीक है। पहले इन्फो डिफेंस लगा लेना एंड उसके बाद किसी भी एनपीसी को गोली मार देना, ठीक है, ऐसे करके जैसे कि मैं मार रहा हूँ। एंड गोली मारने के बाद गाड़ी में बैठ जाना, एंड उसके बाद मैं जो करने वाला हूँ सेम टू सेम आपको भी वही करना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखना जो मैजिक, भाई बहुत ही मैजिक। देखो सामने पुलिस कार आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ घूमना है, ठीक है। जब तक स्टार नहीं आता तब तक आपको बाइक में घूमना है, जिससे ये चले ना जाए दूर, ये भी देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत दूर चला गया भाई, ऐसे ज़्यादा दूर मत जाना, नहीं तो भाई फंस जाओगे एंड वो पुलिस कार भाई डिस्पॉन भी हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा मतलब ढूंढ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सामने सामने घूम रहा हूँ जिससे मुझे मिल जाए, ठीक है। अभी तक स्टार नहीं हटा, आप लोग देख ही सकते हो एक स्टार लगा हुआ है अभी तक। जब एक स्टार हट जाएगा, बहुत देर बाद हटता है यार, भाई तो बहुत ही गजब का है भाई। जब स्टार हट जाएगा तब मैं हम लोग इस गाड़ी के पीछे करूँगा, ठीक है, मतलब सॉरी पीछे करूँगा क्या बोल रहा हूँ आज माई बंदा कुछ भी यार, मतलब मेरा मतलब है कि पुलिस कार के पीछे जाऊँगा, ठीक है, मतलब फॉलो करूँगा उसको कि कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को सीक्रेट जगह मिल जाएगा कि ये पुलिस कार कहाँ जाती है। और ये आप लोग अपने गेम के अंदर भी ट्राई करना, वैसे ये बहुत ही भाई बहुत ही हार्ड मीथ है, बहुत बार सक्सेस नहीं होता, बहुत बार आंसर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। बट गाइस, आज मैं इसको सक्सेसफुल करने वाला हूँ, ठीक है, यही बोलना चाहता था मैं, ठीक है। तो आज मैं ये देखने वाला हूँ कि मीथ बस्टेड है या फिर भाई ये मीथ कन्फर्म है, ठीक है। तो देखता हूँ गाइस, अभी भी पुलिस नहीं गया भाई, जा रहे भाई, भूख नहीं लगी कि तेरे को भाई, जा भाई जल्दी जल्दी जा भाई, मुझे देख है, जल्दी से जल्दी जा भाई, जाता ही नहीं है, देख रहे हो भाई एक स्टार अभी तक लगा हुआ है यार, मोर मेरे पीछे घूमे ही जा रहे भाई, जा आप भाई। तो आप लोग रुक जाओ गाइस, स्टार हटने के बाद आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोग का स्टार हट चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो स्टार हट चुके हैं ना। ये पुलिस कार को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये पुलिस कार कहाँ जाती है हम लोग देखते चुके। तो लेट्स गो गाइस, ये पुलिस कार बहुत ही जल्दी चले, रुक जा भाई डिस्पॉन मत हो जा ना, रुक जा भाई। देख रहे हो भाई कहाँ पे जा रहे हैं, इसका दिमाग खराब हो चुके मुझे लगते। ये भाई सामने दो पुलिस कार और भी है भाई, ये कहाँ जा रहे भाई, डिस्पॉन हो जाएगा, ले भाई डिस्पॉन ही हो जाएगा ये, मैं बाइक कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो अभी तक डिस्पॉन नहीं हुआ, अभी तक जा रहा उसके पीछे, बट अभी कहाँ जाएगा देखते गाइस। ये देखो जा रहे भाई, बहुत दूर चले जा रहे गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत दूर जा रहे, अभी कहाँ जा रहे भाई, रुक जा, ब्रेक कर लिया। आप लोग देख सकते हो कि पुलिस कार भाई एक जगह से और एक जगह जा रहे, मेरे को मतलब बेवकूफ बना रहे भाई, मेरे को बुद्धू बना रहे लोग। और उसके बाद क्या करेगा, घुमा फिरा के दूर चला जाएगा और डिस्पॉन हो जाएगा, ऐसे ही हो सकते हैं मुझे जितने दूर लगते गाइस, क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर का मैंने देखा था उसमें भी सेम होता, बट मैं मेरे आंखों से चेक करना चाहता हूँ कि ये कहाँ जाती है भाई, सीक्रेट जहाँ कहाँ है भाई बता दे भाई, नहीं तो तेरे को बूम सुरा दूंगा, जल्दी बता। अभी भी देख सकते हो एक स्टार हट चुके और पुलिस कार जाने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, कहाँ पे जा रहे, एक बार घुमा रहे भाई और एक बार फिर से घुमा लिया, ये भाई गाड़ी चलाना नहीं आती क्या, एक एक एनपीसी देख रहे हो गाड़ी कहाँ पे ठोक दे रहे यार, लैम्बोर्गिनी में ठोक रहे यार, दिखा कहाँ पे है तेरा सीक्रेट जगह, यहाँ पे खड़ा हो गया गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे खड़ा हो गया, अभी जाने का नाम भी नहीं ले रहे, जा रहे भाई, फुल स्पीड में भागती है भाई जिससे डिस्पॉट हो जाए गाड़ी, देख रहे हो कितने फुल स्पीड में भाई गाड़ी उड़ा के चले जा रहे सामने से, आप लोग देख सकते हो कि कितने तेजी से जा रहे। ओए भाई रुक जा भाई, मेरे को फेंक मत दे भाई, चूट चला जाएगा नहीं तो भाई, आप लोग देख सकते हो अभी भी नहीं गया, अभी भी ब्रेक करे भाई, इधर क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, ब्रेक किधर जा रहे, घुमा रहे गाड़ी को, घुमा रहे, फिर से खड़ा हो गया गाइस, थोड़ा सा दूर जाते
और देख रहे हो आप फिर से चला जा, फिर से जा रहे, अभी देखते गाइस, अभी फिर से आप फिर से घुमा रहे गाइस, फिर से मेरे को बुद्धि बनाने का कोशिश करे जिससे भाई मैं गिर जाऊँ या फिर बाइक से गिर जाऊँ और जिससे फुल स्पीड में जाकर भागा दे। ये देखो भाई, देख रहे हो मतलब कितना चालाक है भाई, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो भाई, मेरे को बुद्धू नहीं बना सकता भाई तू। एंड और भाई देखो भाई कैसे गाड़ी चला रहे भाई, चला गया भाई, चला गया। ऐसे हम लोग को बुद्धू बनाएगा गाइस। तो आप लोग भी अपने गेम के अंदर ऐसे ट्राई करके देखना कि ये पुलिस का कहाँ जाती है, वैसे कि यहाँ किसी भी जगह पे नहीं जाता ये, ऐसे करके आपको बुद्धू बनाएगा एंड घूमते रहतेगा, घूम के मतलब घूमते घूमे ही जाएगा ठीक है, यही बोलना चाहता था मैं, ठीक है। तो ये इस कोई भी सीक्रेट जगह नहीं है। हाँ आप पुलिस स्टेशन होता तो पुलिस स्टेशन के और ही भगता था, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर गेम में ऐसे ही है कि पुलिस स्टेशन जहाँ पे होते पुलिस कार वहाँ पे जाते, बट इस गेम में पुलिस स्टेशन नहीं है इसलिए ऐसे वो लोग घूमते रहते ऐसे करके और बुद्धू बना के भाग जाते। देख सकते हो कैसे मुझे बुद्धू बना रहे, देखो गाड़ी ऐसे करके मतलब हैवी ड्राइवर है भाई, मतलब ये देखो भाई, देख रहे हो भाई कैसे गाड़ी चल रहा है भाई, ठोक के भगा रहे सब कुछ करके, ना खुद का पुलिस कार भी टूट चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो फिर से बुद्ध बना दिया। तो भाई यही अपने गेम के अंदर ट्राई करना भाई। तो चलो अभी नेक्स्ट मिथ के और बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट मिथ है तो छोटा सा मिथ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सब बाइक में जो टायर होती है वो सेम तरीके से होती है, जैसे कि 400 को मैंने बुलाया एंड आपका आप लोग देख सकते हो इसका टायर देखो सेम टू सेम है, ग्रीन ब्लैक में है, सामने का टायर भी ग्रीन ब्लैक में है। एंड ये आप लोग कावासाकी के साथ करके देखो, देखो कावासाकी में भी सेम टू सेम है, देखो सामने भी ग्रीन कलर का टायर है, पीछे भी ग्रीन कलर का टायर है, बट ऐसा एक बाइक है जिसका एक टायर ब्लैक है और एक टायर रेड है। गाइस आप लोग वीडियो को पॉज करके बताओ कमेंट में कि कौन सा बाइक है, चीटिंग मत करना, ठीक है। अब जो भी बता दिया अब मैं बताता हूं कौन सी बाइक है। तो 5000 डायल करने के बाद ये बाइक आती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये एक बाइक है गाइस जो कि है ब्लैक कलर का टायर एंड पीछे है गाइस रेड कलर का टायर। अब ये बहुत ही अच्छा मिथ है कि देखो आप लोग इसका कलर चेंज करोगे ना तो देखना भाई इसका टायर का कलर भी चेंज होगा इसका, देखो भाई ऑरेंज क्या ऑरेंज कलर हो गया भाई। तो आप लोग ऐसे करके भी कर के देख सकते हो अपने गेम के अंदर, देखो RGB क्या तो RGB भी हो गया। तो ये मिथ भी बहुत ही अच्छा आप लोगों को गेम के अंदर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस को पता था भाई कि पल्सर का मतलब पल्सर 100 का टायर अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ती है। तो गाइस नेक्स्ट मिथ जो है ये बहुत ही गजब का मिथ है, तो ठीक है। तो वो मिथ करने के लिए आपको वहाँ पे मतलब जॉम्बी मोड पे आना है, वैसे मैं जॉम्बी मोड पे नहीं हूँ बट जॉम्बी मोड का चिटको लगा लूँगा। उससे पहले आपको रोल्स रॉयल बुलाना है। अब आप लोगों को पता है कि गोस्ट बाइक आपको प्रोटेक्शन देते 360 degree, ठीक है, और थार्ड भी देते, मतलब थार्ड का गेट खुल जाते तो तब नहीं देता, बट रोल्स रॉयल पूरी तरीके से आपको एक डैमेज नहीं देने वाला। हाँ एक दो देख सकते हैं पता नहीं, बट मैं जब किया था मेरे को एक बार भी डैमेज नहीं मिला था। तो चलो आप लोगों को दिखा तो मिथ कैसे करना है। तो आपको रोल स्टाइल बुलाना है, उन्हें उसके बाद जॉम्बी मोड पे जाना है, यहाँ पे जॉम्बी मोड का चिटको लगा लेना जैसे मैं लगाया हूँ। एंड उसके बाद आपको गाड़ी पे आकर बैठ जाना है और कुछ नहीं करना, ना ही इन्फेंट्री लगाना ना ही कुछ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सामने जाना है जैसे मैं जा रहा हूँ। देखो एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो गिर गया, देख सकते हो 360 degree प्रोटेक्शन दे रही है, देखो फिर से गिर गया, आप लोग देख सकते हो एक जॉम्बी और एक आ रहे, आप लोग देख सकते हो। एंड ये देखो फिर से ये भी गिर गया, पीछे से भी आ रहे, ये देखो भाई पूरी तरीके से 360 degree प्रोटेक्शन देते, ना ही इसका गेट खुलते ना ही कुछ, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड इसके सामने भी लेके जाता, अरे भाई रुक जा भाई गेट खुल जाएगा मेरा, रुक जा, फिर से गिर गया, देख रहे हो भाई गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, ऐसे मत करना, बट तुम खड़ा रहोगे एक जगह पे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जॉम्बी, ठीक है। जैसे कि एक जॉम्बी आ रहे तो जल्दी जल्दी गाइस रोड साइड का जाकर बैठते, फिर देखना गाइस मैजिक, ठीक है। अरे यार ये बाइक कहाँ से टपक गया भाई, बाइक में बैठ जाऊंगी, मेरा मतलब इसमें आप लोग देख सकते हो कि एक भी डैमेज नहीं दे पा रहे, देख सकते हो गाइस आप लोग एक डैमेज नहीं दे पा रहे। फिर से रोल सर के अंदर बैठ गया, फिर से गाइस डैमेज नहीं दे पाया, ठीक है, बाहर था इसलिए थोड़ा सा डैमेज मिल गया, बट कोई बात नहीं। आप लोग के गेम के अंदर ट्राई करके देखना, जब भी भाई जॉम्बी से मजे लेना है तो रोल सॉइल निकल गया, मतलब रोल सॉइल ले लेना एंड उसके बाद बाहर जाना, देखना कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे कि जैसे कि आप लोग सामने लेके जा रहे हो, आप देख सकते हो धीरे धीरे भाई ब्रेक कर ले, एंड ये देखो भाई फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये मिथ बहुत ही अच्छा है भाई, आप लोग चाहे तो घोस्ट बाइक से अच्छा ये बाइक ये गाड़ी ले सकते हो जिससे मजे भी आएगा बहुत, ठीक है। एंड ये देखो फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा गाइस, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही मजेदार मिथ है, आप लोगों के गेम के अंदर ट्राई करना। आप चलो नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं।
अब गाइस जो नेक्स्ट मिथ है ये भी बहुत ही गजब का है। तो ड्रोन मिथ करने के लिए आपको आना है ज़ॉम्बी मोड पे एंड उसके बाद आपको एक हेलीकॉप्टर, सॉरी उससे पहले आपको हेलीकॉप्टर तो लेना है, उससे पहले ज़ॉम्बी मोड को एक्टिव करना। ठीक है, पहले मैं हेलीकॉप्टर को बुला लेता हूँ एंड उसके बाद ज़ॉम्बी मोड को एक्टिव कर देना। एंड ज़ॉम्बी मोड एक्टिव होने के बाद आपको जाना है एयरपोर्ट वाला सेक्शन में। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट में जाना है, या आप लोगों को पता होगा एयरपोर्ट में बहुत सारे ज़ॉम्बी रहते हैं। एंड उसके बाद जो मैजिक देने वाला है ना बहुत ही अच्छा, मतलब लगेगा कि मैग्नेट है। ठीक है, हेलीकॉप्टर को एक मैग्नेट की तरह बदल दूंगा, देखने वाले आप लोग देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोग देखो, हम देख सकते हो कि मैं हेलीकॉप्टर को आप लोग के सामने लेके जा रहा हूँ, ना ही कुछ ट्रिक करो ना ही कुछ। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो सामने ज़ॉम्बी घूम रहा है एंड उसके बाद उसके पास लेके जाना। ठीक है, हेलीकॉप्टर को उसके पास लेके जाना, जैसे कि मैं ले आया भाई, ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, नीचे लेके जाओ हेलीकॉप्टर को, थोड़ा सा रुक जाओ, इधर प्लेन आ गया भाई, ये बड़ा बड़ा प्लेन क्यों लेके आया भैया, रुक जाओ, थोड़ा सा मिथ करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये देख सकते हो गाइस क्या करे भाई ज़ॉम्बी लोग, एक साथ को आप लोग ज़ॉम्बी को एक साथ लेके आना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एंड एक साथ ज़ॉम्बी को लेके आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कैसे कर रहे भाई ज़ॉम्बी, इधर उधर क्यों भाग रहे, नीचे आ जा, ये देखो ये देखो ये देखो, आप लोग देख सकते हो ज़ॉम्बी कैसे कर चुके भाई, कैसे कर रहे देख सकते हो आप लोग ज़ॉम्बी। देखो मैग्नेट की तरह एक दो को मार रहे भाई, ऐसे लग रहे कि भाई दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे, मतलब सब ज़ॉम्बी एक साथ लड़ाई कर रहे, खुद खुद को ही मार रहे। देखो ये देखो ये देखो, नीचे आप लोग देख सकते हो कि कैसे फाइट हो रहे ज़ॉम्बी का। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेके जाता तो थोड़ा सा समझ पाओगे। ये देखो गाइस, ये देखो आप लोग देख सकते हो कि कितने मजे लग रहे देखने में भाई, कैसा कर रहे भाई, ग्लिच की तरह हो चुके आप लोग देख सकते हो, इधर इधर देखो कि कैसे हो रहा है भाई, एक साथ ज़ॉम्बी मतलब चिपक रहे हैं एंड उसके बाद कैसे कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो कि मतलब ग्लिच वगैरह जैसे होता है ना, तो ऐसे ही लग रहा है देख सकते हो आप लोग। तो ये मिथ बहुत ही गजब के, आप लोग गेम के अंदर भी ट्राई करके देखना, क्योंकि ये मिथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है भाई, मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा ये मिथ, आप कुछ भी कर भी नहीं पा रहे और क्या कर रहे भाई ये ज़ॉम्बी लोग, मतलब इसका दिमाग ख़राब हो चुके। तो बहुत ही गजब का मिथ है, आप लोग गेम के अंदर ट्राई करके देखना। अब चलो नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट मिथ करने के लिए आपको नाइट करना होगा। ठीक है, पहले तो नाइट का चीट कोड है नाइट। ठीक है, और नाइट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2020 के बोल रहा, गलती करके मैं 2020 बोल दिया, किसी भी बाइक लेना है। ठीक है, तीन चार एक साथ बाइक लेना है, जैसे कि मैं पल्सर ले रहा हूँ एक साथ। ठीक है, तीन चार एक साथ बाइक लेना है। ठीक है, मैं उल्टा साइड लगा रहा यार, गलती करके मैं उल्टा साइड लगा लिया, ऐसे जगह पे लगाना जिससे भाई गाड़ी खड़ा हो सके। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी से होने वाला है ये मिथ, बहुत ही गजब का मिथ है। जैसे कि मैं अलग अलग बाइक लगा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो अलग अलग बाइक भी लगा सकते हो या फिर एक ही बाइक भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं अलग अलग बाइक लगा रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं बाइक लगा लिया बहुत सारे, एंड उसके बाद आपको पहले लाइट को जलाना है। ठीक है, बाइक का, अब लाइट का ग्लिच पता नहीं तो कैसे करते, तो एक साथ आपको उतरने भी है, एक साथ लाइट बटन को भी दबाना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे, तो ऐसे करके क्या होगा, लाइट एक्टिव हो जाएगा, आप उतर के भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सब बाइक का लाइट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कैसे लगेगा। ठीक है, ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि सब बाइक का लाइट मैं ऑन कर चुका हूँ एंड आप लोग देख सकते हो कि लाइट वाला ग्लिच हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपको किसी भी गाड़ी को बुलाना है, जैसे कि मैं थार को बुला लिया, उसके बाद आपको डे करना है। ठीक है, डे करने के बाद आपको इस गाड़ी को फोड़ना है, जैसे कि मैं फोड़ रहा हूँ। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाड़ी का लुक कैसे हो सके, वाइट वाला हो चुके गाड़ी का लुक। एंड आप लोग देख सकते हो कैसे लग रहे, मतलब ऐसे होता है ना जब गेम बनाते हैं तब ऐसे करके डिज़ाइन करते गाड़ी को, तब ऐसे लग रहे गाइस, देख सकते हो कि कितना गजब का लग रहा है। इसके ऊपर परछाई भी पड़ रही है, आप लोग देख सकते हो, मतलब भाई 3D, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ड्राइंग करा है इस थार को। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आप लोग गेम के अंदर भी ट्राई करके देखना है ना, ये चीज़ ना सिर्फ लैम्बोर्गिनी, सिर्फ थार के साथ नहीं, आप लोग लैम्बोर्गिनी के साथ भी कर सकते हो। वैसे थोड़ा सा बाहर चला गया लैम्बोर्गिनी, आपको इस ऐसा जगह पे आना है जिससे भाई हो सके। ठीक है, जैसे कि ये पूरा पूरी व्हाइट है, आप उसको फोड़ दूंगा तो कैसा लगेगा, देखो ये देखो भाई, ये देखो गाइस, आप लोग देख सकते हो पूरा लग रहा है कि ड्राइंग कर रहा है कोई, मतलब इंडिया बने 3D के अंदर कोई आया है और ड्राइंग करके चला गया, ऐसा लग रहा है। पूरा पूरी व्हाइट भाई, ये टायर भी ब्लैक नहीं है भाई, सिर्फ आग यूलो है बट सब कुछ व्हाइट है। तो आप लोग ये चाहे तो करके देख सकते हो, बहुत ही गजब का मिथ है। एंड देख सकते हो, देखो ये हो गया, पीछे का हिस्सा काला हो गया, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया भाई, लैम्बोर्गिनी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके गाइस, देख सकते हो। देखो ये पीछे का हिस्सा ब्लैक एंड सामने का हिस्सा व्हाइट भाई, ये बहुत ही गजब का मिथ है। तो भाई ये आप लोगों को गेम के अंदर ट्राई करना जरूर। ठीक है,
ओके गाइस, तो ये है वीडियो का लास्ट मिथ, ठीक है। और ये लास्ट मिथ ना बहुत ही अच्छा मिथ होने वाले, मतलब अभी तक जो मिथ बताया था उससे भी ये मिथ बहुत ही फनी है ना, अच्छा मिथ होने वाले। तो आपको पहले क्या करना है, आपको 8000 बुलाना है, उससे पहले 9129 लगा लेना इनफिनिटी वेल, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकती है, मिथ बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 4x3 या फिर कुछ भी बाइक बुलाना है। एंड उसके बाद आपको ये ग्लिच करना है, हेलीकॉप्टर एंड रिमोट कंट्रोल वाला ग्लिच करना है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल ग्लिच करने के बाद आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है, आपको सामने लेके जाना है एंड उसके बाद खड़ा कर देना है, फिर से नीचे उतरना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को चला देना, ठीक है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, ठीक है, आपको हेलीकॉप्टर को चला देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ भी गाड़ी बुलाना है, जैसे कि मैं ये गाड़ी बुलाना हूँ, ठीक है। एंड इस गाड़ी को बुलाने के बाद आपको RGS टूल पर आना है, RGS टूल पर आपको लोड लिखना है, ठीक है। लोड लिखने के बाद जो मैजिक होगा ना बहुत ही गजब होने वाला है। लोड लिखने के बाद आपको गाड़ी के सामने आना है एंड टिक एंड जो स्टीयरिंग का मतलब गाड़ी की बैठने का ऑप्शन है, दोनों को एक साथ दबाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो, भाई मेरा तो ग्लिच नहीं हुआ, मेरा ग्लिच फेल हो गया, बट रुक जाओ गाइस, ये मिथ बहुत ही अच्छा मिथ हुआ है भाई, बट ये मिथ कैसा होगा मुझे पता है। ये मिथ आप लोगों को जब शोरूम के सामने वाला आप लोग लोड लिख के गेम को सेव करोगे, ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम मैच जैसे मिथ क्या, आपको भी वो सेम टू सेम मिथ करना है। उसके बाद आप लोग देखना कि आप लोग जमीन के अंदर चले जाओगे, ठीक है, जैसे कि मैं। एंड उसके बाद मैं जैसे अभी अटक गया हूँ, ऐसे आप लोग अटक जाओगे, बट जमीन के अंदर, आधा जमीन के अंदर आधा ऊपर, ठीक है, इसलिए। बट मेरा नहीं हो क्योंकि मैं एयरपोर्ट में सेव करके रखो गेम को, इसलिए। तो आप लोग गेम के अंदर ट्राई करके देखना, होगा ही होगा भाई, ठीक है। एंड मैं इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, इसलिए मैं नहीं देखा है। तो ये मिथ भी बहुत ही अच्छा मिथ है, और ऐसे आप लोग किसी फ्रेंड के भी साथ भी प्रैंक कर सकते हो कि दिखा सकते हो, भाई देखो भाई सामने इनविजिबल वॉल लग चुकी है, इसलिए नहीं जा पा रहे, देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अटक गया, आप लोग देख सकते हो, नीचे ना ही जा पा रहे, ना ही कुछ कर पा रहे, ठीक है। तो ये मिथ भी बहुत ही गजब का है। आई होप गाइस आप लोगों को ये मिथ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ऐसे डेली मिथ वीडियो देने के लिए, ठीक है। एंड तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस सब लोगों को। Yeah!